नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रो बडी मोटिवेशन चैनल पे। दोस्तों, क्या कभी किसी ने आपको कुछ बुरा बोला है या आपकी बेवजह निंदा की है? ऐसे में आपने उस व्यक्ति को क्या रिस्पांस दिया था? क्या आपने भी उसे उल्टा जवाब दिया था या खरी खोटी सुना दी थी? लेकिन उसके बाद आपका मूड सारे दिन के लिए खराब हो गया होगा या रात को भी ठीक से नींद नहीं आई होगी। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हम ऐसा बर्ताव इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे आदमी की गलत बात से हमारी ईगो हर्ट हो जाती है और हम दूसरे आदमी को उल्टा जवाब दे देते हैं ताकि वो भी हर्ट फील करे। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा, किसी के बुरा बोलने के बाद भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करते बल्कि स्माइल करके पहले की तरह अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ईगो को कंट्रोल करना सीख लिया है और वो निगेटिव लोगों की बातों से जरा भी प्रभावित नहीं होते। ऐसे में उनका मूड ठीक रहता है और फालतू लोगों के चक्कर में अपनी एनर्जी वेस्ट वो नहीं करते। कितना अच्छा होगा अगर हम अपनी ईगो को कंट्रोल करना सीख जाए ताकि हम कभी हर्टी फील न करें, क्योंकि फालतू की ईगो पालना बेकार है, इसे हमें ही नुकसान होता है और हम अपने गोल्स को पाने से भी चूक सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 लेसन बताने वाला हूँ जिससे आप अपने ईगो को कंट्रोल करने के इस सीक्रेट को जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले। आपको यहाँ पे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस डेली देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं पहला लेसन, जो कि है 3 प्लेसेस ऑफ ईगो। इंसान जीवन में हमेशा 3 चीजें करता ही रहता है। पहला, एस्पायर यानी कि कोशिश। हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की कोशिश करते हैं, ऐसा हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। दूसरा, सक्सेस यानी कि सफलता। कुछ कामों में हमें सफलता मिल जाती है, इससे कई बार हमें ईगो आ जाती है। तीसरा, फेल्यूर। कुछ कामों में हमें असफलता मिल जाती है, इससे हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। हम जो कोई भी गोल पाने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे हमारी ईगो का ही रोल होता है। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटस दूसरों से आगे ही रहे। अगर हम सफल हो जाते हैं और विनम्र न रहे तो हमारे अंदर ईगो आ जाती है, लेकिन इससे समाज में हमारी इमेज बहुत ही खराब हो जाती है। जैसे गुस्सा और खुशी चेहरे पर दिख जाती है, ऐसे ही ईगो का भी आदमी के व्यवहार से पता चल जाता है। बहुत से पॉलिटिशियन इसका एग्जाम्पल है। एक बार सत्ता पा लेने के बाद सोचते हैं कि वे ही सर्वा सर्वा है, फिर वे कभी जनता के बीच नहीं जाते। वे सोचते हैं कि अब तो लोग उनके गुलाम हैं, लेकिन जनता सब देख सुन रही होती है। और कितने ही बड़े बड़े अहंकारी नेता अगले चुनाव में बुरी तरह हार जाते हैं। कितना अच्छा हो अगर ऐसे नेता विनम्र रहे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, इसे लोग बार बार उन्हें ही वोट देंगे। इसलिए सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जब हम असफल हो जाते हैं तो हमारी ईगो को ठेस लगती है। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत VVIP है और असफलता को अपनी ईगो पर ले लेते हैं। जब कोई असफल हो जाता है तो इसे अपनी बेइज्जती समझता है। वह सोचता है कि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। इंसान तो इस ब्रह्मांड में केवल एक तिनका या जर्रा है, इसलिए खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना बेकार है। हमारी हार भी यही रह जाएगी और जीत भी। कभी ये भी न सोचे कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं। सच बताओ तो किसी के पास आपके लिए इतना समय है ही नहीं। सब अपने कामों में बिजी है। कोई कुछ बोलेगा भी तो सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर सब भूल भाल कर किसी और काम में लग जाएंगे। इसलिए ये न सोचे कि लोग हर वक्त आपके ही बारे में सोचते हैं। लोगों को अपने कामों से फुर्सत नहीं होती, इसलिए सक्सेस या फेल्यूर में ईगो पर बात ही न लाए। न खुशी से पागल हो जाए न गम में डूबे रहे, दोनों में बैलेंस बनाकर जिए। लेसन नंबर 2, ईगो को कंट्रोल कैसे करें। ईगो को कंट्रोल में रखने के कुछ तरीके हैं, जिसमें से पहला है साइलेंस। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे भी तो आप शांत रहकर सिर्फ अपना काम करें, उसे आर्गुमेंट न करें। आर्गुमेंट करने से आपका कीमती समय ही बर्बाद होगा, इससे आपका मूड भी स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए ऐसे सिचुएशन में हमेशा साइलेंट ही रहें। वैसे भी कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। 2, इमेजिनरी ऑडियंस। कभी भी न सोचे कि आप कोई सेलिब्रिटी या VVIP है और सारे लोग आपको ही देख रहे हैं। इससे आप हमेशा दूसरों की नजरों में अच्छा बने रहना चाहोगे। थोड़ी भी असफलता या कोई त्रुटि हो जाने पर आप गुस्से या शर्म से भर जाएंगे और फिर ऐसा काम करेंगे जिससे सफलता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। मान लीजिए आपने नई ड्रेस पहनी है तो ये न सोचते रहे कि लोग आपकी ड्रेस को ही देख रहे होंगे। अगर लोग ड्रेस की तारीफ करें तो थैंक यू बोलकर अपने काम में आगे बढ़ जाए, लेकिन किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया तो बेइज्जती महसूस न करें, बल्कि तब भी थैंक यू बोलकर अपना काम करते रहे। किसी को भी अच्छा बुरा बोलना होता है तो वो बोलता ही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर वो खुद अपने कामों में बिजी हो जाएगा। 3, इथ्यूमा। इथ्यूमा का मतलब है बाहर की एनवायरनमेंट का अपने आप पर कोई असर न पड़ने देना। मान लीजिए कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और बाहर कोई झगड़ा हो जाता है
तो क्या डॉक्टर को ऑपरेशन छोड़ देना चाहिए या बिना परेशान हुए पूरा ध्यान ऑपरेशन में लगा देना चाहिए? ऐसे ही आपके आसपास कैसा भी माहौल क्यों न हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 4, ह्यूमिलिटी। कितने भी बड़े आदमी क्यों न बन जाए, हमेशा शांत और विनम्र बने रहे, दूसरों के हमेशा काम आए, इससे आप और आगे बढ़ते रहेंगे। लेसन नंबर 3, शैमरॉक्स फॉर्मूला। शैमरॉक अमेरिका के मिक्स्ड मार्शल आर्ट के महान खिलाड़ी और कोच थे। उन्होंने नए खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला था, किसी भी खिलाड़ी का मुकाबला हमेशा उसे बेहतर खिलाड़ी से करवाया जाता था। इससे उस खिलाड़ी में ईगो नहीं आता था, उसे लगता था कि वो सब कुछ नहीं है बल्कि उससे भी बेहतर अभी कोई है, और वो अपने से बेहतर खिलाड़ी से बहुत कुछ सीख लेता था। जब वो उतना अच्छा हो जाता था तो पहले से भी बेहतर खिलाड़ी से मुकाबला करना होता था, इससे वो खिलाड़ी अच्छे से अच्छा हो जाता था। तो दोस्तों, आप भी ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में कहीं भी लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका चैनल 10,000 पर मंथ कमा रहा है तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोई दूसरा चैनल 30,000 पर मंथ भी कमा रहा होगा। आप भी उससे प्रेरित होकर और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही आप लाखों के रेवेन्यू तक जा सकते हैं। लेसन नंबर 4, बी अ स्टूडेंट ऑलवेज। हमेशा स्टूडेंट बने रहिए और हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए। अगर रिटायर हो गए हैं तो स्विमिंग सीख लीजिए या हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। जॉब लग गई है तो साथ साथ नया बिजनेस या यूट्यूब सीख लीजिए। यूट्यूब सीख गए हैं तो सोशल मीडिया पर उसे प्रमोट करना सीखिए। ऐसे ही सीखने की कोई सीमा नहीं है। सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पैशन। जिस भी चीज में पैशन है आदमी को वही सीखनी चाहिए। गाने का शौक है तो संगीत की शिक्षा ले लीजिए। एक्टिंग का शौक है तो एक्टिंग स्कूल या थिएटर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब हम अपना शौक की चीजें सीखते हैं तो वो हमें बोझ नहीं लगता। आजकल बहुत से पेरेंट बच्चों को जबरदस्ती म्यूजिक पेंटिंग के क्लासेस में भेज देते हैं, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा भी जा रहा है या पेरेंट को उसका शौक है। खुद तो उन्हें मौका नहीं मिला, इसलिए बच्चों पर अपने अधूरे सपने लाद दिए जाते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत है। इससे बच्चा सीख तो जाता है लेकिन आगे चलकर उसकी कला फेक ही लगती है, क्योंकि वो दिल से नहीं आई होती। इसलिए पहले बच्चे का पैशन जान लीजिए, तभी उसे फील्ड में प्रमोट कीजिए। दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ नया सीखना है तो आपको एक मेंटर यानी गुरु भी चाहिए, लेकिन मेंटर तभी आपको सीक्रेट गुण सिखाएगा जब आप विनम्र रहेंगे और अहंकार या ईगो नहीं पालेंगे और मेंटर का आदर करेंगे। लेसन नंबर 5, कीप योर आइडेंटिटी स्मॉल। दोस्तों, हमेशा अपनी आइडेंटिटी को छोटा रखो। इसका मतलब है, काम तो बड़े बड़े करो लेकिन कभी भी उसका बड़ा चढ़ाकर बखान मत करो। ऐसा करोगे तो लोग दिल से इज्जत नहीं करेंगे, सिर्फ अपना काम सीधा करने के लिए आपकी इज्जत का नाटक करेंगे। लेकिन अगर हम्बल रहोगे तो लोग अपने आप ही आपको सम्मान देंगे। कभी भी अपने धन से धोखा मत खाओ। चाहे कितनी भी अमीर क्यों ना बन जाओ, अपने पैर जमीन पर ही रखो, क्योंकि अगर अहंकार आ गया तो फिर नाश भी आ ही जाता है। स्टीव जॉब, बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड इतने धनवान थे, फिर भी वे हमेशा विनम्र रहे, इससे उनका बिजनेस और भी बढ़ता गया। आपने कभी भी इनको अपने प्रोडक्ट की बढ़ा चढ़ाकर एडवर्टाइजमेंट करते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें, थिंक बिग बट एक्ट स्मॉल, अर्थात बड़ा सोचो पर विनम्र रहो। लेसन नंबर 6, अलाइव टाइम डेड टाइम। हमारी जिंदगी में दो तरह का समय होता है, अलाइव और डेड। जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं या स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उसे ही अलाइव टाइम कहते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ रोजमर्रा के काम करते हैं और कुछ भी नया करने की कोशिश ही नहीं करते तो वो डेड टाइम होता है। तो दोस्तों, आप कैसा टाइम बिता रहे हैं, डेड या अलाइव, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ नया कर रहे हैं या हर दिन एक जैसा ही बिता रहे हैं? बहुत से लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। जैसे कुछ लोग कहीं भी घूमने फिरने नहीं जाते, या तो वे डरते हैं या एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते। अगर आपके पास जॉब है तो कुछ बजट यात्राओं के लिए जरूर रखना चाहिए। विदेश नहीं जा सकते तो भारत के हर स्टेट का फेमस जगह पर तो जा ही सकते हैं। ऐसे ही लोग YouTube चैनल स्टार्ट करने के सपने तो देखते रहते हैं और उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन शुरू ही नहीं करते। शुरू करते हैं तो डेली वीडियोस पर काम ही नहीं करते। अगर आपको लाइफ जिंदा दिली से सीखनी है तो हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, फिर चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो। या अपने शौक जो पहले पूरा नहीं कर पाए थे उन्हें अब पूरा कर लीजिए। अगर कोई चाहे तो 60 साल की उम्र में भी स्विमिंग सीख सकता है या गिटार क्लासेस ले सकता है। तो आप भी हमेशा कुछ नया सीखते या करते रहिए। लेसन नंबर 7, डोंट स्टॉप फॉर क्लैप्स। दोस्तों, अगर आप कोई गेम जीत जाते हैं तो लोगों की तालियां सुनने के लिए न रुके। हाँ, उनका हम्बल तरीके से धन्यवाद करें और आगे बढ़ जाए। इसका मतलब यह है कि तारीफ और वाहवाही की एक्सपेक्टेशन कभी भी न पाले। आपने कोई भी काम कितना भी अच्छा क्यों न किया हो, यह न सोचे कि अब लोग मेरा गुणगान करें, मुझे क्रेडिट दें या मेरी तारीफ करें। जब आप इन चीजों से दूर रहना सीख गए तो अंदर से ही स्ट्रांग बन जाएंगे। आप में कभी भी ईगो नहीं आएगी।
आप विनम्र बनेंगे और कोई भी आपकी चापलूसी करके आपका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग हमेशा चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करते रहे, और कितनी बार कुछ चापलूस उनकी झूठी तारीफ करते रहते हैं। इससे ऐसे लोग कभी भी अपनी कमियों को नहीं देख पाते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस न कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।